शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कयामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है, और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते, तो तुम भी उनकी कुछ परवाह ना करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा, फौरन आंखें नीचे किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे काफिर, कहेंगे ये दिन बड़ा सख्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं, बस तू ही बदला ले ले। बस हमने जोर के मेह से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया, और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया, वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे, और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे? सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम आद ने भी तकजीब की थी, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी, वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को झुटलाया तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम उसकी पैरवी करें, यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए, क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा बड़ाई मारने वाला है, इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है। ऐ साले, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं, तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो, और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया, फिर उसे मार डाला। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ, हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई, मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से, शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो, और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आनाजिल हुआ, तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे? और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे, उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवि और गालिब शख्स पकड़ लेता है। ऐ अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो कयामत है, और कयामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोजख में घसीटे जाएंगे, कहा जाएगा लो अब आग का मजा चखो, हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है, और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं, तो कोई है कि सोचे समझे? और जो कुछ उन्होंने किया
उनके आमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी सच्ची बैठक में, हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में।